सभी को मेरा नमस्ते और जय हिंद। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके बहुत फ़ायदा आने वाला है। और इस वीडियो में होगा क्या, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। इस वीडियो में मैं जो पढ़ाई मैं खुद कर रहा हूं, स्पेशली जीके की, क्योंकि जो आने वाला सीजन का एग्ज़ाम है उसमें जीके का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो अभी हमें जीके पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो तैयारी मैं जीके की पढ़ाई कर रहा हूँ खुद अपने एग्जाम्स के लिए, उसमें से जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एसएससी में आ सकता है, वो उनको मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको बताऊँगा कि जीके को पढ़ना कैसे है। तो वीडियो को अंतिम तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। चलो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज। ऑप्शन है आपके पास, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु और रामास्वामी नायकर। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से बहुत लोगों ने आपको बता दिया होगा, जिसको आंसर पता होगा, ज्योतिबा फुले जी ने ये स्टार्ट किया था सत्य शोधक समाज को। लेकिन बहुत कुछ आपको नहीं पता है इस क्वेश्चन के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व इन द सेंस कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, अपनी तैयारी कैसे करनी है इन क्वेश्चंस के सवाल। ये अगर आप रट के जाते हैं सिर्फ एक सवाल तो आपकी तैयारी नहीं हो रही है, आपको इस सवाल के चारों तरफ से घुमा के हर चीज़ देखना होगा, चारों ऑप्शंस को देखना होगा, तब आपकी तैयारी जो होगी और अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमको मिल गया कि ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अब ज्योतिबा फुले जी के बारे में कुछ चीज़ हम जानते हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि इन्होंने दो किताबें भी लिखी थी, तृतीया रत्ना और गुलामगिरी। आप ये सारी चीज़ें नोट करिएगा, ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योतिबा फुले जी की दो किताब थी, तृतीया रत्ना और गुलामगिरी, ये इनका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा, इनके बारे में जान लेते हैं कि जो ये सत्य शुद्ध समाज स्टार्ट किया गया था, ये अगेंस्ट द ब्राह्मण्स था। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सत्य शुद्ध समाज का जो एम था वो क्या था या किस बेसिस पे स्टार्ट किया गया था, तो अगेंस्ट द ब्राह्मण्स था, इसी बेसिस पे इसको स्टार्ट किया गया था सत्य शुद्ध समाज को। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन हम थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे क्योंकि हर जगह बी आर अम्बेडकर जी ऑप्शन में आएंगे और हम हर जगह उनके बारे में कुछ ना कुछ जानते रहेंगे, जिससे चार पाँच दस क्वेश्चन के अंदर अंदर आपके पूरे बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपको सब रेडी हो जाएगा। तो बी आर अम्बेडकर जी का सबसे पहला कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। दूसरा सवाल हम जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी ने कुछ न्यूज़पेपर्स लिखे थे जिसका नाम था मूल शंकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और जनता। ठीक है, ये हो गया। बी आर अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल मीटिंग, जो राउंड टेबल मीटिंग लंदन में हुआ था, राउंड टेबल जो मीटिंग था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसमें तीनों में भाग लिया था। एक बंदा और था, एक पर्सन और था जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, उनका नाम आप कमेंट करके नीचे बताइए कि कौन थे वो। बी आर अम्बेडकर जी उनमें से एक थे। उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी ने दो पार्टी का गठन किया था जो अभी बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ों का गठन किया, लेकिन पहले यहाँ पर दो चीज़ों का गठन किया ये जान लीजिए। वशिष्ठ हितकरणी पार्टी 1923 में बी आर अम्बेडकर जी ने एक पार्टी बनाई थी, वशिष्ठ हितकरणी पार्टी 1923 में। बी आर अम्बेडकर जी ने एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी 1936 में। दो पार्टी बनाई थी, वशिष्ठ हितकरणी पार्टी 1923 में और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तीनों राउंड टेबल में गए थे और इन्होंने अपनी किताब लिखी है, इन्होंने अपनी न्यूज़पेपर लिखा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जनता और मूक नायक। तो बी आर अम्बेडकर जी के बारे में अभी यहाँ पर इतना ही जानेंगे, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरे ऑप्शन है हमारे नारायण गुरु। नारायण गुरु के बारे में जानते हैं। नारायण गुरु का जो रिलेशन आता है वो आता है हमारा, एक वैक्यूम सत्याग्रह हुआ था 1924 में स्टार्ट हुआ था, 1924 में स्टार्ट हुआ था, 1925 तक चला था वो। वैक्यूम सत्याग्रह से रिलेटेड है नारायण गुरु जी। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर इसमें से कौन से ऐसे पर्सनालिटी है जो वैक्यूम सत्याग्रह से रिलेटेड हैं, तो अगर नारायण गुरु वहाँ पे ऑप्शन आता है तो वो ऑप्शन सही होगा। जबकि वैक्यूम सत्याग्रह के जो मेन लीडर थे वो थे टीके माधवन, केशव मेनन, ये लोग उसके मेन लीडर थे और ये स्टार्ट हुआ था त्रावणकोर में। ध्यान रखना है आपको, ये स्टार्ट हुआ था त्रावणकोर में। अगला ऑप्शन है रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट क्या है, इन्होंने स्टार्ट किया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु में 1925 में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। आपको इसी तरह अपने जब भी तैयारी कर रहे हैं आपको ऐसी ही तैयारी करनी है, एक क्वेश्चन के चारों तरफ से देखना है, चारों ऑप्शंस के बारे में जानना है, ताकि आपकी तैयारी एक सवाल से 20 सवाल तक पहुंच सके। इस एक सवाल में हमने कम से कम 15 सवाल तैयार किए। अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। आपके पास ऑप्शन चार हैं, स्वामी सहजानंद, इंदूलाल याग्निक, एन एन रंगा और एक ऑप्शन है पीसी जोशी। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं,
अब चार ऑप्शन में से आपको आंसर पक्का पता होगा, क्योंकि ये आप वन लाइनर याद करके चलते हैं, लेकिन अभी हमको इसके चारों तरफ से देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन और यहाँ से बन सकते हैं, तो हम उस पर देखते हैं। आंसर सबको पता चल गया, इसका आंसर है हमारा स्वामी सहजानंद जी। स्वामी सहजानंद जी ने पहला सेशन का प्रिसाइड किया था उसको, ऑल इंडिया किसान सभा को। अब बात करते हैं जो तीन ऑप्शंस और हैं उनके बारे में, और ऑल इंडिया किसान सभा स्टार्ट कब हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा जो स्टार्ट हुआ था वो 1936 में स्टार्ट हुआ था लखनऊ में। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ से तैयार हुआ। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं इंदूलाल याग्निक जी के बारे में, तो इंदूलाल याग्निक जो हैं ये रिलेट करते हैं महा गुजरात मूवमेंट से। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि विच पर्सनैलिटी इज रिलेटेड विद द महा गुजरात मूवमेंट, तो आपका आंसर आना चाहिए इंदूलाल याग्निक। महा गुजरात मूवमेंट क्या था? महा गुजरात मूवमेंट था गुजरात और महाराष्ट्र को अलग करने का, और ये स्टार्ट हुआ था 1956 में। ठीक है, महा गुजरात मूवमेंट 1956 टू सेपरेशन फॉर द सेपरेशन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, इससे रिलेट करते हैं हमारे इंदूलाल याग्निक जी। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एन एन रंगा को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन पीजेंट मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन एन रंगा को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन पीजेंट मूवमेंट, और एन एन रंगा जी का जो नाम था गोगी नैनी गंगा था। ठीक है, गोगी नैनी गंगा। चौथा ऑप्शन आ रहा है अपना पीसी जोशी। पीसी जोशी कौन है? पीसी जोशी हमारे जनरल सेक्रेटरी थे 1925 के आईएनसी के कानपुर सेशन में। जनरल सेक्रेटरी थे हमारे पीसी जोशी, उसी 1925 के आईएनसी सेशन में जो हमारी चेयरपर्सन थी वो थी सरोजनी नायडू। तो ये हमने दो क्वेश्चन आज डिस्कस किया। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आगे और आपको ये वैसे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर मैं आपको इस पर ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ऐसे ले आकर डिस्कस करूंगा, ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 15 से 10 सवाल तैयार कर सके और आपकी तैयारी जो हो थोड़ी सी फास्ट हो सके। ऐसे आप एक क्वेश्चन तैयार करेंगे और इस वीडियो के साथ आप 15 क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो आपकी जो तैयारी होगी थोड़ी सी स्पीड ले लेगी और जल्दी से आप सिलेबस को कवर कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।